हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपास किचन तड़का में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, और इसे बनाना बहुत आसान है। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो पत्ता गोभी, और हम इसे चाकू से नहीं काटेंगे, ग्लास से काटेंगे। तो इस टाइप से आप कोई भी कोर वाला गिलास ले लीजिए, और पत्ता गोभी इससे बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी कट के तैयार हो जाती है। तो आप जितना भी छोटा बड़ा रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप काट लीजिए। इससे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कट कर तैयार हो जाती है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को मैंने काट कर तैयार कर लिया है, इसे हम अच्छे से धो लेंगे। और पत्ता गोभी मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा और आधा कप गेहूं का आटा, और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच घसा हुआ लहसुन, 1 कटोरी लहसुन के पत्ते, ये ऑप्शनल है, अभी जारे का मौसम है तो मार्केट में इजीली आपको लहसुन का पत्ता मिल जाएगा। और इसे डालने से नाश्ते का टेस्ट एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, अगर ये आपके पास है तो जरूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गोल्डी सब्जी मसाला। आपको और कोई मसाला पसंद हो तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी चॉप किए हुए धनिया के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी पतीला ले लिया है, और पतीले में मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है। इसे हम ढक कर गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे, और जब तक कि पानी गर्म हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम हाथों से ही मिक्स करेंगे ताकि मसाला और जो गोभी है अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपको यहाँ पर अगर चावल का आटा या गेहूं का आटा कम लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दोनों ही इसमें डाल लीजिए। और यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा सूखा लगे तब यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी डालेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सूखा लगता है, लेकिन मिक्स करते करते एकदम बाइंड होने लगते हैं। और मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक ऐसी छलनी और हाथों में थोड़ी सी पानी लगाएंगे, और ये जो मिक्सचर है हाथों में लेके लंबा शेप देते हुए सभी बना लेना है। और इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हैं। और सभी मैंने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है, और साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए जो रखा था वो भी गर्म हो चुका है। तो इसे हम भगोने के ऊपर ढककर रख देंगे, और 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, और गैस का फ्लेम रखेंगे हाई। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हम 15 से 20 ही मिनट पकाएंगे। अगर हमने ज्यादा इसे पका दिया तो एकदम से चिपचिपा गीला गीला सा ये हो जाएगा, तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं पकाना है इसे। और अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो गैस को हम करेंगे ऑफ और केयरफुली इसे गैस से उतार लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नाश्ता है कितना अच्छा पककर तैयार हुआ है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो इसे मैंने कट कर लिया है, और इधर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पैन, और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई के दाने, और आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा। राई और जीरे को चटकने देंगे, और फिर डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ आधी छोटी कटोरी प्याज, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और फिर इसमें डालेंगे एक एक पीसेस करके जितनी की पैन में आ जाए। और
और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम दोनों साइड से उलट पलट के पकाएंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्डन हो चुका है, यानी कि पक चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और कम तेल में हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है।